हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद माय न्यू वीडियो। माय नेम इज़ आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने जितनी भी बेसिक एंट्रीज होती वो देख लिया था। उसके अलावा कुछ स्पेशल एंट्रीज थी, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री, इशू शेयर इशू एक्सपेंस करने की एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री। उम्मीद करता हूं वहां तक आप लोगों ने सब कुछ नोट किया और अच्छे से सारी चीज़ें समझ ली है। तो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए और क्लैरिटी मिल सके और आप शेयर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर सको। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। लिखा है, राम कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स और ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। देखो, राम कंपनी करके है, कंपनी है जिन्होंने इशू करे हैं, इशूड 50,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू करे बेटा? 50,000 शेयर इशू करे हैं। और पर शेयर कितने का है? पर शेयर है बेटा ₹10 का। एक शेयर कितने का है? ₹10 का। ठीक है, लिखा है ₹3 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे ₹3 मांग रहे हैं वो, भाई कंपनी एक बार में पैसा मांग नहीं रही है, तो ₹3 एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे ₹3 मांग रहे हैं भाई। फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकेंड कॉल पे भी कितना है? ₹2। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पर कितना रुपए? ₹2। ठीक है, ₹10 का था, इन लोगों ने इस तरह से मांगा। फिर आगे बोल रहे हैं, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड अलॉटेड। जितने भी शेयर्स हैं फुली सब्सक्राइब्ड है, ऑल शेयर सब्सक्राइब। भाई मैंने कितने इशू किए थे? 50,000 पूरे बिक गए, तो ऑल शेयर सब्सक्राइब और सबको अलॉट भी कर दिया गया। ठीक है, सबको मतलब दे दिया गया, प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो गिव जनरल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, अज्यूमिंग डेट ऑल सम्स हैव बीन फुल ड्यूली रिसीव्ड, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंटेड टू 10,000। देखो इसमें लिखा है एक चीज़, एक तो बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो बैलेंस शीट के लिए टेंशन मत लेना। बैलेंस शीट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें सिखा दूंगा। उसके अलावा आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जब वो पढ़ोगे तो आपको बैलेंस शीट अपने आप आ जाएगी। तो बैलेंस शीट के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बैलेंस शीट को अभी के लिए फिलहाल इग्नोर कर दो। उसके अलावा लास्ट में बोल रहा है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। भाई शेयर अभी इसकी एंट्री सिखाई थी ना, कल ही बताया था, नहीं भी देखा है तो जाके देखो। शेयर अगर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर्स को इशू करने में जो पैसा खर्चा हुआ है कितना हुआ है? 10,000। ठीक है, इसकी एंट्री बताओ क्या बताई थी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट। याद है, इसको लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करना है, बट मैंने आपको बता दूंगी क्या था। याद आया थोड़ा थोड़ा कि नहीं याद आया? ठीक है, चलो देखो। तो अभी आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसकी एंट्री करनी है हम लोगों को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा। अच्छा, बैलेंस शीट के लिए टेंशन मत लेना, बता दे रहा हूँ पहले से, बैलेंस शीट में करवा दूंगा सेपरेट। उसके अलावा बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, राम कंपनी इशूड है, 50,000 शेयर इशू किया है, ₹10 का एक है, एप्लीकेशन पे कितना रुपए? ₹3। तो एंट्री क्या होगी इसकी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आएगा? शेयर एप्लीकेशन का। तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, और फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा कहाँ है बेटा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो सबको हम लोग को आता ही है सर, है ना, सीख गए हैं। अब ये बताओ अमाउंट क्या लिखा जाए सर? तो बेटा ₹3 मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे, कितने शेयर है? 50,000, पूरे के पूरे सब्सक्राइब है। तो 50,000 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 1,50,000, 1,50,000। फिर यही पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा तो आया ही है शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये होगी आपकी पहली एंट्री। नरेशन पास कर लेना और आप लोग जनरल के फॉर्मेट बना के आना। आगे उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट। तो अब अलॉटमेंट का पैसा हम लोग क्या करेंगे? मांगेंगे। यहाँ पर पहले मिलता है फिर आप ट्रांसफ़र करते हो, अब की बार क्या है? मांगना है पहले फिर मिलेगा। ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो पता ही नहीं ना कितने लोग शेयर लेंगे, 50,000 इशू किया कितने लेंगे पता ही नहीं था, लेकिन अब पता है, सब लोग ने ले लिया, तो हम लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, एंट्री ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है अलॉटमेंट की? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट कितना पैसा बेटा 350,000 का, फिर वही 3 से मल्टीप्लाई, अलॉटमेंट में 3 है कितना आएगा 1.5 लाख, यहाँ पे भी 1.5 लाख, ठीक है। अब ये मांगा आपने, पैसा मिलेगा, सबने पैसा दिया है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, भाई आपने पैसा मांगा, आपको पैसा मिल गया, कितना मिल गया 1.5 लाख, ये हो गया आपका, समझ पाई बात, इस तरह से वो करना था, दो एंट्री होगी। तीसरा क्या है, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगो, एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने मांगा, कितना मांगा 50,000 का, कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 1 लाख और 1 लाख मांग लिया आपने। अब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आएगा बेटा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी फर्स्ट यही वाला लिखना, ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना आएगा, जितना मांगे तो नहीं आ गया पूरा 1 लाख। अब क्या होगा, फिर वही नॉर्मल, सेकेंड कॉल का पैसा मांगो, सेकेंड कॉल में मांगोगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जी सर ठीक है। अब कितना है 50,000 का आपका मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2 से, तो कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख। अब क्या होगा, अकाउंट में पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 1 लाख मांगा था, 1 लाख मिल गया आपको, 1 लाख और 1 लाख, डेट्स इट, ओवर हो गया। एक लास्ट में एंट्री और थी, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स को इशू करने में पैसा खर्चा हुआ है तो उसको हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर ऑन इशू, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, भाई पैसा खर्चा हुआ है, कहाँ से खर्चा हुआ है, बैंक से खर्चा हुआ, तो यहाँ पर लिखना शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा दे दिया आपने, कितना खर्चा हुआ है 10,000, ठीक है, यही नीचे लिखना था, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी, डेट्स इट कंप्लीट। समझ में आया आप लोग क्वेश्चन कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक करो, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, नेक्स्ट वीडियो में क्या, मैं इसी को वीडियो में आपको समझा दे रहा हूँ, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम हो, कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, मान लो कंपनी है 50,000 की, पर शेयर 10 रुपये का है, और कंपनी प्रीमियम पे भी 2 रुपये ले रही है, यानी कि 12 रुपये का है, 10 प्लस 12, 12 रुपये का है अब, और कंपनी अलॉटमेंट पे 2 रुपये ले रही है, अगर कहीं नहीं मेंशन है कभी अलॉटमेंट पे, अगर मेंशन है तो अलॉटमेंट पे, ठीक है, मेंशन भी है अभी अलॉटमेंट, अगर नहीं मेंशन है तो आप अलॉटमेंट मान लोगे, अगर लेकिन मान लो एप्लीकेशन पे लिख दिया तो आप एप्लीकेशन पे लिख लेना, फर्स्ट कॉल पे बोल दे तो फर्स्ट कॉल पे लिख लेना, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप अलॉटमेंट में मांग लोगे, ठीक है। तो अब खाली एक एंट्री इसमें ऐड होती है, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसी तरह ही करोगे, ठीक है, सब कुछ मान लो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आपने पैसा मांगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बस यहाँ पे 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये लिखोगे, और लिखने के बाद 50,000, अब देखो यहाँ पे क्या था, 50,000 का 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 1.5 लाख आया, 50,000 का अब 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 लाख आएगा, ठीक है, 1.5 और 1 मिला के कितना हुआ 2.5 लाख, ठीक है। तो टोटल पैसा आपने कितना मांगा बेटा, 2.5 लाख रुपीज़ मांगे, ठीक है, शेयर कैपिटल यानी कि अलॉटमेंट का आपने 1.5 लाख रुपये मांगा, 50,000 का 3 से मल्टीप्लाई, और आपने 2 रुपये किसका मांगा यहाँ पर, प्रीमियम का मांगा, 2 रुपये किसका मांगा, प्रीमियम का, 3 रुपये किसका मांगा आपने, 50,000 के हिसाब से अलॉटमेंट का, और 2 रुपये किसका मांगा आपने, प्रीमियम का, तो दोनों मिला कितना मांगा आपने, 2.5 लाख रुपये। जब यहाँ पर पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है अलॉटमेंट का तो आएगा ही,
प्रीमियम का भी आएगा, तो पूरा पूरा कितना आएगा, 2.5 लाख आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख, समझ में आई बात। तो बस इतना ही करना है प्रीमियम में, बाकी कुछ जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो, फिर फर्स्ट कॉल के एंट्री करोगे, फिर मांगोगे, फिर पैसा मिलेगा, नॉर्मल करते जाओगे। अच्छा मान लो कभी ऐसा हो कि अलॉटमेंट के टाइम पे ना होकर यहाँ पर हो, भाई यहाँ पर हो आपका प्रीमियम का पैसा 3 रुपये जो भी था, तो आप फर्स्ट कॉल के टाइम में इसे मांग लो ना पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिख देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, समझ में आ रही बात। इस तरह से कर देना, ये कर देना, नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपको करना है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया, चलो तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉल सीन एरियर और कॉल एडवांस की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। तो जल्दी इसके जल्दी से मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो। 50 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जितने भी आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दो कि अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ ले। 50 डेज के अंदर हम लोग अपना अकाउंट इतना तो कर ही देंगे कि अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।